डाउनलोड करें द सिलेक्शन कैंपस ऐप को और अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग बनाइए द सिलेक्शन कैंपस के साथ। थैंक यू। चलिए ये टेंस पे बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। बहुत पूछा था, तीन ही कंडीशन है इसमें। ये फॉर्मूले आपको पहले तो याद करने पड़ते हैं, फिर मैं बता दूंगा कब कौन सी लगानी है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था हमने, उसी पे बेस है। जब मैंने कहा था दो बातें फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं, तो हमने दोनों में विल नहीं लगाना होता, एक विल हटाना होता है। कहां से? कंजंक्शन वाले क्लोज से। और मेन क्लोज प्रेजेंट फ्यूचर में आता है, कंजंक्शन वाला क्लोज किस में? प्रेजेंट में। तो ये बनी फर्स्ट कंडीशन। ये देखो, इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, अंटिल आ जाए, ये जितनी भी कंजंक्शन है दो सेंटेंस को डिपेंड करवाने के लिए बनी है। बिफोर आफ्टर भी कई बार यूज हो सकती है इसमें, तो ये वाला क्लोज इन केस भी यूज हो सकती है। ये वाला क्लोज प्रेजेंट में, दूसरे वाला फ्यूचर का। तो ये फर्स्ट कंडीशन कब लगानी है? व्हेन टू फ्यूचर एक्शंस डिपेंड ऑन ईच अदर। डिपेंड करने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? अगर पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, वो चीज हो गया। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, ठीक है? ये ओरिजिनल प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। देखो, दो फ्यूचर डिपेंड कर रहे हैं, कैसे? अगर तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे। इसमें कोई पढ़ने में कोई कंप्लीशन की सेंस नहीं है, बस फ्यूचर में जाने की बजाय प्रेजेंट पे रोक दिया। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में सिखाया है, बट कई बार कंप्लीशन आता है ना, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि क्लोज का सिस्टम ये कहता है मेन क्लोज फ्यूचर में, सबोर्डिनेट प्रेजेंट में, बट प्रेजेंट की किस स्टेट में ये नहीं कहता। इनकम्प्लीट हो तो कंटिन्यूस भी लगानी पड़ सकती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से खुश नहीं होना, ऐसे सीखो, इफ यू स्टडी यू विल पास। ये तो तुम्हें पता है ना, एक विल हटा दिया और यहां प्रेजेंट टेंस लगाया। क्यों लगाया? जबकि पढ़ोगे है, पास हो जाओगे है, क्यों लगाया फिर प्रेजेंट टेंस? क्योंकि दोनों फ्यूचर में नहीं ले जा सकते, एक को सच बनाना है, फैक्ट। बट इसमें कोई कंप्लीशन की सेंस नहीं है कि तू पूरा पढ़ लेगा ना 10-20 किताबें तब पास होगा, कोई कंप्लीशन नहीं है। कंप्लीशन की सेंस हो तो हैज हैव भी लगाना पड़ सकता है, वो सीखेंगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन, मूड चैप्टर इससे पहले आपको किया है, करना ही पड़ेगा इससे पहले, तभी ये सीखना, ठीक है? ये चैप्टर मूड, ये तो थे टेंस की बात, ये ओरिजिनल प्रेजेंट टेंस था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। बताओ मूड में मैंने क्या सिखाया था? जब भी हम प्रेजेंट में खड़े होकर सोचते हैं आगे की बातें, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा के आनी होती है? टेंस तो होता ही नहीं, वो कौन सी? V2। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये मूड है, ठीक है? जब भी हम सोचते हैं एक ही वर्ब फिक्स है, V2, खत्म। ये कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं चल रहा इफ के साथ, लग गया, बोल लिया। तो मूड में हमने सिर्फ कितना सीखा था? बस सोचना सीखा था, काश मैं PM बन जाऊं, इफ आई वर PM, काश मैं इंग्लिश सीख लूं, इफ आई लर्न इंग्लिश, इतना सीखा था। अब इतना सीख कर करोगे क्या? रिजल्ट भी आ गया। अब ये सिर्फ कंजंक्शन वाला क्लोज सीखा था, आई विश, इसमें आई विश भी लग सकता है कई बार, ठीक है? आई विश, वुड दैट भी काश होता है, काश, पर इनमें नहीं लग सकता आई विश, ये कंडीशन बतानी है, या सोचने वाले ये दोनों है, ठीक है? सोच लिया, अरे सोच लिया PM बन जाऊं, तो कुछ अब बोलने भी सीख जाओ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट किस में लगाना है? अगर प्रेजेंट में सोचते हो तो विल V1 में, नहीं वो तो दो डिपेंड हो तब, ये इमेजिनेशन के सेंटेंस आगे, वुड V1 में, V2 लगी है, तो यहां विल शैल नहीं, वुड, पास्ट का मॉडल। नेक्स्ट, तीसरा मैंने मूड में कहा था कि अब कई बार हम पास्ट की भी बातें सोचते हैं, और पास्ट की सोचते हैं तो क्या लगता है? हेड V3, पक्का? पास्ट की सोचते हैं तो क्या लगता है? हेड V3, ये लगा हुआ, सोच लिया, पास्ट की इमेजिनेशन कर ली। जैसे ही हमने पास्ट में सोचा, तो अब आप ये बताओ रिजल्ट भी किस में आएगा? सोच के देखो, अगर मैं इंग्लिश सीख लेता उस टाइम, तो एग्जाम क्रैक कर लूंगा नहीं? इसमें तो कर लूंगा बोलते हो, मैं PM बन जाऊं तो ये कर दूंगा, इसमें क्या बोलोगे? पढ़ लेता तो कर देता। और ये मॉडल की इनडेफिनेट फॉर्म से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट से चलेगा। कैसे? क्योंकि जितने भी मॉडल हैं, अगर उनके बाद V1 लगाई जाए, तो वो लगभग आगे की सेंस देते हैं, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, कब? आगे आने वाले टाइम में। बट हैव V3 लगा दू तो ऐसे, यू शुड हैव स्टडीड, ये लगा दू तो इसका मतलब पास्ट बन गया, ये हैव V3 का मतलब हो गया जो होना था, तुम्हें पढ़नी चाहिए थी पर तुम पढ़े ही नहीं, ये बन गया मतलब। तो इसीलिए जब पास्ट में सोचते हैं तो रिजल्ट भी किस में आएगा? पास्ट में। अगर तुम पढ़ लेते तो पास भी कब हो गए होते? पास्ट में। तो इसलिए वुड V1 नहीं, वुड हैव V3। तो ये तीन कंडीशन पूछता है। तो अब बताओ एरर किस तरह से आता है? देखो एरर,
अगर आपको उसने V1 लगा के दी तो आप यहाँ विल V1 लगा के आओगे, अगर उसने V2 लगा के दी तो आप यहाँ वुड V1 लगा के आओगे, और अगर ये लगा के दी तो आप ये लगा के आओगे। कोई समझ गए? अब मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ तुमसे, करना ठीक है? चलिए अब मैं तुमसे एक चीज पूछ, अच्छा उन कंडीशन को नाम देना चाहो तो आप अपनी तरफ से नाम दे सकते हो, 1, 2, 3 कुछ भी। मैं ये पूछूंगा कौन सी लगानी है, सबका मतलब बता दिया। अच्छा मैंने पूछा इफ आई हैड स्टडीड, सबका पहले वाला क्लोज लिख दिया, कंजंक्शन वाला कौन सा ठीक है बताओ, कौन सा ठीक है? अरे तीनों ही ठीक है, कोई हिंट नहीं है तो तीनों ही ठीक है, जैसे मर्जी लिखो, बस इतना पता हो गया तुम्हें कि इफ के साथ हम V2 भी लगाते हैं जब सोचते हैं, आई विश भी आ सकता है यहाँ, इफ के साथ हेड V3 भी लगाते हैं जब पास्ट की बातें सोचते हैं, और इफ के साथ V1 भी लगाते हैं जब दो बातें डिपेंड करते हैं, तो तीनों ही ठीक नहीं होंगे? तो फिर क्या पूछना चाहता हूं मैं, सुनो, अगर तुमने इफ आई स्टडी लिखा आ गया एग्जाम में तो तुमने उस साइड दो बातें फ्यूचर की डिपेंड करती हैं उस वो समझ के विल लिख कर आना है, विल पास हो गया। दूसरा, अगर इफ के साथ V2 लगाई है तो समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला V2 नहीं है, ये काश वाला V2 है, तो आगे की सोच रहा है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन बोलते हैं आगे की सोचने को, फ्यूचर नहीं बोलते, प्रेजेंट की बोला करो, ऐसे इमेजिनेशन कर रहा है प्रेजेंट की। तो रिजल्ट जो आता है, कोई तुम्हें सिखाएगा वुड का यूज कि ये काम आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट काम आता है, सीखो, वुड का एक यूज सिखा रहा हूं, जब भी कोई आदमी आगे की बातें सोचता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो वुड V1 में बताया जाता है, तो यहां आएगा वुड पास। कोई आदमी अगर पीछे की बातें सोचता है तो उसका रिजल्ट वुड V1 में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आगे ले जाएगा, तुम्हें पीछे जाना है ना, तो वुड हैव V3, क्योंकि सोचोगे पास्ट में तो रिजल्ट भी पास्ट में, वुड हैव पास्ट। ये तीनों अलग अलग तरह की कंडीशन है, ध्यान से समझते हैं तीनों को, हिंदी कर लेते हैं एक बार, उसमें ज्यादा अच्छी बात है, समझ आएगी। इफ आई स्टडी आई विल पास, ये पहली कंडीशन है, असली के टेंस है, कोई मूड नहीं चल रहा। व्हेन टू फ्यूचर एक्शन डिपेंड ऑन ईच अदर, जब दो बातें फ्यूचर की आपस में डिपेंड करती हैं, पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक ऐसा बच्चा है अगर पढ़ ले तो पास भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, और भी एग्जाम क्रैक किए हैं, ये पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। तो ये कह रहा है अगर मैं पढ़ लूं तो पास हो जाऊंगा, क्या हिंदी है इसकी, अगर मैं पढ़ लूंगा और पास हो जाऊं, लूंगा नहीं बोलना, प्रेजेंट में रखना है ना, विल हटा दिया, पास हो जाऊंगा, समझ गए। नेक्स्ट, ये रही सेकंड कंडीशन, कब थी, जब हम फालतू की अनरियल बातें सोचें या आगे की बातें सोचें, तो इसकी हिंदी करो, मैं पढ़ा था, अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है ये, आगे की सोचने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो ये होता है, मैं पढ़ा था कल, इफ नहीं लगता, अगर मैं पढ़ लूं, इसकी भी वही है जो ऊपर वाले की थी, बस ऊपर वाला क्या है, पॉसिबिलिटी है, पास हो भी जाएगा, ये सोच रहा है, फालतू की कहानियां। इसमें ज्यादातर ऐसी बातें आती हैं जो डिपेंड का चक्कर नहीं होता, ऐसी आती है, काश मैं PM बन जाऊं, काश मैं लॉटरी जीत लूं, ऐसी, ये तो मैंने फिर भी लिख दी, तो ये एक इमेजिनेशन कर रहा है, क्या अगर मैं पढ़ लूं तो पास हो जाऊंगा, ये भी वही चीज है। हिंदी क्यों सेम निकल के आई, कहोगे सर ये तो प्रेजेंट टेंस है और ये V2 है, हिंदी सेम क्यों है? अरे भैया ये तो है असली का प्रेजेंट टेंस, पर ये भी तो आगे की बातें सोचता है, V2 इमेजिनेशन, तो इसमें भी हिंदी सेम ही बनती है, अगर मैं पढ़ लूं आने वाले टाइम में तो मैं पास हो जाऊंगा, इमेजिनेशन कर रहा है, वहां पढ़ लूंगा नहीं बोलना, प्रेजेंट टेंस लगाना है, ओरिजिनल प्रेजेंट टेंस फैक्ट बना दिया, इसलिए क्योंकि दो बातें फ्यूचर की हो तो दोनों में विल नहीं लगता, एक को फैक्ट बना देना होता है। नेक्स्ट, ये हिंदी सबसे अलग है, पास्ट में सोचो, अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, समझ गए, ये पास्ट की इमेजिनेशन है, बिल्कुल ही हो गया जो होना था, पेपर भी हो गया, सब हो गया, इसमें आगे की बातें सोच रहा है, इसमें बस दो बातें फ्यूचर की डिपेंड करती है, दोनों में विल नहीं लगाते, नहीं तो लगना दोनों में ही विल चाहिए, क्योंकि पढ़ूंगा पास हो जाऊंगा, पर एक विल हटा के फैक्ट बना देते हैं, दो बातें डिपेंड हो दोनों फ्यूचर में ही जाते, तो ये अलग अलग कंडीशन है। एरर क्या आएगा मैं बताता हूँ, पहले वाले में क्या एरर आएगा सुन लो, दोनों जगह विल लगा देगा क्योंकि वो सोचेगा बच्चा यही तो हिंदी निकाल रहेगा अपने मन में, पढ़ूंगा प्रेजेंट कर देना। दूसरे में एरर क्या आएगा, ये जो V2 है ना कब लगता है, जब आगे की सोचते हैं, रिजल्ट वुड V1 में आना चाहिए ना, इसके साथ रिजल्ट ये वाला लिख देगा, गलत, सोचता पास्ट में, रिजल्ट ये वाला लिख देगा जिसमें आगे की बातें जाती हैं, PM बन जाऊं तो ये कर दूंगा, ये रिजल्ट लिख देगा, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे एरर आते हैं। ये है लिख, ये दिया मेन क्लोज, ये दिया ये लिख दिया, इसमें दो विल लगा दिए, इस तरीके से एरर आते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, कर लो ठीक है। चलिए देखो बच्चों,
अब हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जल्दी से तीनों कंडीशन पे बेस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन करप्शन विल फिनिश। जल्दी से देखिए, दो जगह विल लगा हुआ है, पहले देख लो सेकंड और थर्ड कंडीशन तो नहीं है ना सोचने वाली, ना कहीं वी टू है ना कहीं वुड है, फर्स्ट कंडीशन है। दो बातें फ्यूचर की है, मान लिया एक्शन लेगी करप्शन खत्म हो जाएगा, मान लिया, बट जब भी दो बातें डिपेंड हो दोनों में विल नहीं लग सकता। एक बात हो डिपेंड ना हो तो दो चार बातें कितनी करो, डिपेंड ना हो तो लिख सकते हैं, डिपेंड हो एक को फैक्ट बनाना पड़ता है। प्रेजेंट टेंस किसको बनाते हैं, कंजंक्शन वाला क्लोज प्रेजेंट में, मेन क्लोज फ्यूचर में, विल हटा दो। और ये विल हटा, अब तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, अब टेक पे इफेक्ट पड़ेगा, टेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी कंडीशनल पहली वाली है। देखो फर्स्ट का मतलब होता है डिपेंड होना, सेकंड और थर्ड तो सोचो मेरे पे टाइम हो जाए तो ये कर दूं, होता तो ये कर देता, ये डिपेंड करती है। ये रहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, एक तो प्रोवाइड वर्ब भी होती है प्रोवाइड करना, शर्त है कि जब अपने तरीके सुधार लोगे यू विल मेंड योर वेज। फिर वही डिपेंड कर रही है, एक विल हटा दो कहां से, ये मत सोचो पहले अटता है दूसरे पे अटता है, अरे कंजंक्शन वाले क्लोज से अटता है, अब कंजंक्शन वाला क्लोज ये है सबोर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट, अनलेस भी डिपेंड करवाने वाली कंजंक्शन है, बताया था, तो विल है ही नहीं है तो सही है, प्रेजेंट टेंस ही है। नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, यहां भी नेगेटिव हो सकता है, अगर इफ गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट फिनिश। बट दिक्कत पता है क्या है, इफ होता ना यहां तो डू नॉट आ सकता था, अनलेस का मतलब ही होता है अगर नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं, अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं। अब कहोगे ये क्या है, हिंदी से क्या हो जाएगा, कंडीशन बताता है, टाइम पे फोकस करता है, आओ इस पे। पर मीनिंग नोट है, नोट पहले से है तो नोट मत लगाओ, सिंपल, अनलेस यू स्टडी, इसका मतलब यही है, नहीं पढ़ते तो यहां से नोट मत हटा देना, पूरे पेज में से नोट नहीं हटाने, सिर्फ उस क्लोज को संभाला ना उसने, यहां तो नोट चाहिए, यहां कहां है अनलेस, यहां तो चाहिए नोट, नहीं होगे पास। इफ होता तो लगता, इफ यू डू नॉट यू विल नॉट, तो प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव करेगा तो डू डज ही लिखोगे। नेक्स्ट बताओ, अनटिल यू विल बी 18 यू कांट वोट, ये वही कंडीशन है, जब तक 18 साल के नहीं वोट नहीं कर सकते। अच्छा अनलेस और अनटिल में डिफरेंस सुन लो, अनलेस एक कंडीशन होता है जो फुलफिल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो काम नहीं होगा, बट अनटिल टाइम पे डिपेंड है। तुम इसमें यूं नहीं कह सकते मैं 18 साल का नहीं होता, तुम इस सेंटेंस में यूं नहीं कह सकते कि सन सेट होगा ही नहीं, पर मेहनत को तो कह सकते मैं नहीं पढ़ता तो पास नहीं होएगा, पढ़ेगा पास हो जाएगा, पर 18 का तो होना ही होना है, ये टाइम पे डिपेंड है, होना ही होना है, ऐसे सोच लिया करो ये तो होगा ही होगा, ठीक है, तो ये टाइम पे डिपेंड है, ट्रेन तो आनी आनी है, तो ये नहीं कि मैं मेहनत, ये कंडीशन है, पढ़ोगे ठीक है, नहीं पर तुम्हें सही तो करो, मेन क्लोज फ्यूचर में कहा था, ये रहा मेन क्लोज, कहोगे विल कहाँ गया, अरे विल नहीं है तो कैन मॉडल यूज कर लिया, ये सारे मॉडल फ्यूचर की तो सेंस देते हैं, तुम वोट नहीं कर सकते, ज्यादातर मॉडल फ्यूचर की सेंस देते हैं, ये कैन यूज हो गया, बट तुम्हें यहाँ क्या सिखाया था, प्रेजेंट इनडेफिनेट, क्या सिखाया था, प्रेजेंट इनडेफिनेट, ये तो फ्यूचर इनडेफिनेट है, सही करो, यू के बाद V1 ले आओ, अब V1 किसकी लाओगे, विल के बाद ही तो होती है मेन वर्ब, इसी की तो V1 बनानी है, मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आती है, मजबूरी है, ऐसे समझो, ही इज ए टीचर, इज आया, बट इसको विल के पीछे लिखो कि वो होगा, तो इज का बी बन जाता है बेस फॉर्म। अब ये विल तो हट गया, तो अब यू टकराया तो यहां आर आएगा, ही होता तो इज, आई होता तो एम, यू आर 18 बन गया प्रेजेंट टेंस, सही। नेक्स्ट, अनलेस द सन सेट्स आई विल नॉट कम, अनटिल लिखो, कंडीशन नहीं है, टाइम पे फोकस है, बाकी ठीक है, प्रेजेंट टेंस विल सही है। ये थी 5 क्वेश्चन जिसमें एक विल हटाना आता है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है खतरनाक चीज, ये जो 4 सेंटेंस हैं ये फर्स्ट कंडीशन का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जैसे रोबोट 2.0 आई थी ना ऐसी, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। क्या है इसमें बताओ, एडवांस कैसे, क्या सिखाया था अभी तक, दोनों विल में से एक विल हटा देते हैं जो कंजंक्शन वाले क्लोज से, दूसरा रहने देते हैं वो कंडीशन के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जाना है तो विल तो लगाना ही पड़ेगा। बट ये जो कंडीशन है ना 6th, पहले तो विल हटाओ कहाँ से, कंजंक्शन वाले क्लोज से हटा दिया, इफ वी हीट आइस, कंडीशन ही है ना, हीट करते हैं तो पानी वेपर बन जाता है, इसमें यहाँ से तो हटाना ही है, इधर से भी हटा देना है। कहोगे यहाँ से क्यों, यहाँ से तो नहीं सिखाया था, दोनों से क्यों हटा रहे हो, भैया वो डिपेंड कर रहे थे, अगर पढ़ते हो प्रेजेंट पास हो जाओगे पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कंजंक्शन वाले क्लोज को तो फैक्ट बनाना ही पड़ता है,
यहाँ से क्यों हट गया, उस पे आओ। अगर तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, पक्का हो जाओगे, नहीं। अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो पक्का खत्म हो जाएगा, नहीं। मैं तुम्हारी मदद पक्का कर दूंगा, ऐसा नहीं है। बट ये क्या है, एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। इसमें हो जाएगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हो जाता है। बताओ, साइंटिफिक फैक्ट प्रेजेंट में नहीं लिखते। इसलिए इधर वाले विल को भी अपना छोड़ना पड़ा रास्ता, और प्रेजेंट टेंस आया सीधा, इट टर्न्स। तो ये कंडीशन भी आती है जब यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो सिंपल बातें थी, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो खत्म हो जाएगा। बट ये क्या है, फैक्ट है। इसलिए यहाँ से तो हटना ही था, यहाँ भी हट गया। तो बच्चे कई बार लेकर आते हैं, सर ये दोनों से विल हटा दिया, ये क्या चक्कर है, फैक्ट है। नेक्स्ट, सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक्सेप्शन में है। क्या है, आज फिर से क्लोज का सिस्टम मैं सिखाता हूँ ना, क्लोज का क्या सिस्टम सिखाता हूँ कि मेन क्लोज फ्यूचर में और सबोर्डिनेट वाला प्रेजेंट में, ये सिखाता हूँ। तो मैं ये गारंटी नहीं लेता कि प्रेजेंट का कौन सा प्रेजेंट, फ्यूचर का कौन सा प्रेजेंट। कंडीशनल सेंटेंस था तो मैंने कह दिया था इंडेफिनेट और इंडेफिनेट, क्योंकि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी का ही सेंटेंस है, ये लगा दिया था, ठीक है। पर मैंने अभी कंडीशन के नीचे फर्स्ट लिखा था ना, पीछे देख सकते हो फॉर्मूलेज में, कि प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई बार प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख देता है, कॉन्टिन्यूस भी लिख सकता है। क्यों, क्योंकि इस रीजन से, इधर देखो, अगर मैं पढ़ता हूं तो पास हो जाऊंगा, ये है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या इसमें कोई ऐसी सेंस है जब मैं पूरा पढ़ लूंगा, पूरा मतलब 10-20 बुक्स पूरी, ये क्या, कोई सेंस नहीं है। क्या इसमें कोई ऐसी सेंस है, गवर्नमेंट जो पूरा एक्शन ले लेगी, कंप्लीशन की कोई सेंस है, नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट को फैक्ट बना के यूज कर लिया। क्या इसमें पूरा है, जब तेरे पूरे तरीके यूज खत्म सुधार लेगा, पूरे कंप्लीट, कोई सेंस नहीं है कंप्लीशन की, तो फैक्ट बना के छोड़ दिया। बट कई बार कंप्लीशन की सेंस आती है, वहां तो विल ही आएगा। अब मैं फैक्ट नहीं करवा रहा यूनिवर्सल, वहां तो विल ही आएगा पॉसिबिलिटी। बट प्रेजेंट का कई बार प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमेशा इंडेफिनेट पे नहीं रहना। तो ये क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें कि सर इंडेफिनेट सिखाया था हमें, परफेक्ट मिल गया, आओ इस पर। मेन क्लोज तो फ्यूचर में आता ही है, रिटायर हो जाओगे, ठीक है। इसे मत मान लेना साइंटिफिक फैक्ट, सर ये तो पक्का रिटायर होएगा ही, ये फैक्ट का फैक्ट होना चाहिए, बातें नहीं करनी सिर्फ। ऐसे तो यहां भी कह दो पास तो होगा ही, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, विल में सही है। बट ये कंजंक्शन वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनेट में कहोगे ये भी सही है, बट ये थोड़ा सा गलत है। प्रेजेंट की परफेक्ट फॉर्म लगाओ। क्यों, वो रिटायर कब होगा, क्या ये डिपेंड कर रही है, या ये सर्विस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ इंडेफिनेट से काम नहीं चलेगा, ऐसे रिटायर नहीं होगा। पास तो ऐसे भी हो जाता, ना पढ़े पर्ची ले जाए पास हो जाएगा, ठीक है, करप्शन क्या बता अपने आप खत्म हो जाएगा। बट इसमें क्या है, कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी दूसरा होगा। तो ये परफेक्ट की सेंस आ रही है, व्हेन यू हैव कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसा ही है, मेन क्लोज फ्यूचर में है, आई के साथ शैल लगाया करो, ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा, आफ्टर, अरे आफ्टर का मतलब ही यही होता है, तो आफ्टर कंजंक्शन भी यूज हो जाती है हमेशा, इफ नहीं। आफ्टर का मतलब ही यही होता है कि ये वाला काम कंप्लीट करो पहले। तो कब ले जाएगा लॉन्ग ड्राइव पे, जब वो ऑफिस से आ जाएगी या आ जाता है। ये तो नहीं है कि उसे घसीट के ले आएगा, उसे आना ही पड़ेगा ना ऑफिस से, कंप्लीट करनी पड़ेगी ये बात, कंप्लीशन दिखाओ इसमें, इनडेफिनेट से काम नहीं चलेगा। यू हैव रिटर्न है वही फर्स्ट कंडीशन, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। नेक्स्ट, तो दो एक्सेप्शन हो गए, एक में दोनों ही प्रेजेंट लगाना पड़ा वेपर वाला, एक में प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ा, बाकी फ्यूचर सही है। इससे समझो, बुक है ये, बुक रीड ऑप्शन है, इसमें तुम एक जगह रीड लगाओगे, एक जगह हैव रेड लगाओगे, देख लेना। इफ यू डैश दिस बुक, वापिस कर देना, ये फ्यूचर की सेंस देता है। ये जो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका मतलब विल शैल ही होता है, गेट बंद कर दो, कब बंद होएगा, फ्यूचर में, ठीक है। अगर तुम इस बुक को पढ़ लो तो वापस कर दो, एक कह रहा है अगर तुम इस बुक को पढ़ते हो तो इंजॉय करोगे। किसमें सेंस कंप्लीशन की आ रही है और किसमें सिर्फ कंडीशन प्रेजेंट फैक्ट। देखो, जिसमें कह रहे हैं अगर तुम पढ़ते हो तो इंजॉय करोगे, ये कंडीशन है। इसमें कोई ऐसी सेंस है पूरी पढ़ लेगा तब इंजॉय करेगा, नहीं, बीच में भी कर रहा है। तो ये डिपेंड करती है, इसे फैक्ट बना के रीड, पर कह रहे हैं वापिस कर देंगे, कर देना, रिटर्न इट, एक ही बात है। फ्यूचर इंडेफिनेट ही समझो इसे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस फ्यूचर में ही डालता है, तभी इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, विल शैल यू विल यू, ठीक है। इफ यू डैश दिस बुक, वापिस कब करेगा, जब पूरी पढ़ लेगा, आई ना सेंस। तो इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैव रेड लिखना पड़ा ना, यही वो दो सेंटेंस थे। तो ये हमने कर लिया, वैसे इतना इजी आता है, दो विल आते हैं, एक विल हटाना है। किससे, कंजंक्शन वाले क्लोज से, ये माथा नहीं माना ये पहले हुआ है ये पहले है, कंजंक्शन वाले क्लोज से, इधर जाए उधर जाए कोई, ठीक है। ये थे हमारे 9 सेंटेंसेस, आगे और भी करते हैं।